हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डीएसएसपी ग्रेड 4 के पेपर चल रहे हैं और आने वाले समय में एलडीसी और स्टेनोग्राफर के पेपर आने वाले हैं। तो उस बेसिस पे मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस मंथ्स के भी हैं और प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो आप इसे करके देखो क्योंकि क्वेश्चन कलेक्शन बहुत ही अच्छा मैंने किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने दो वीडियो और भी डाला है, आप उसे देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे लगता है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि कलेक्शन जो है क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन विच बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी एंड इंडियन ओशियन मीट। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी और इंडियन ओशियन तीनों आकर मिलती है। आपके सामने 5 सेकेंड टाइम है। इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, लास्ट में यही मैंने क्वेश्चन कराया था, तभी मैं आज यहाँ करा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा। तो ये कन्याकुमारी इसका आंसर होगा। कन्याकुमारी की जगह तीनों नदियाँ, तीनों समुद्र आकर मिलते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है ये, और ये रहा मैप इसका। देखिए ये जो बे ऑफ बंगाल है ये हो गया अरबियन सी, ठीक है। ये नीचे हो गया इंडियन ओशियन, ठीक है, और ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। और कन्याकुमारी जो है नीचे है यहाँ पर पॉइंट के पास, यहाँ एकदम पॉइंट के पास है सबसे नीचे, और वहाँ पर तीनों आकर मिलती हैं। जो पाल के स्टेट है वहीं पर आकर मिलती हैं तीनों के तीनों, ठीक है, समझ में आया होगा। मैप से मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा समझने में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द लैटीट्यूड एक्सटेंड ऑफ 8 degree 4 minute नॉर्थ से 37 degree 6 minute नॉर्थ। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडल क्या है, 68 degree 7 minute ईस्ट से लेकर 97 degree 25 minute ईस्ट, या नंबर ऑफ स्टेट 26। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही मैच है। नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। हमारे जो स्टेट हैं आपको पता होगा, ये तो पुरानी क्वेश्चन हो गए हैं, 2016 में आए हुए थे। अब जो करंट है हमारा, जो स्टेट कितने हैं और यूटी कितने हैं आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर जब से स्टेट से हटा है तो हमारे 29 स्टेट से हट के 28 स्टेट हो चुके हैं, और जो जम्मू कश्मीर दो भाग में बट चुका है, और वो बट चुका है जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बना है, दोनों यूटी हैं। तो हमारे यूटी जो हो गए 9 हो गए हैं। आपको ये भी बता दूँ कि लोकसभा में कुल जम्मू कश्मीर में 6 सीट थे पहले, लेकिन अब क्या हो गए कि उस 6 सीट को बांट दिया गया है। जम्मू कश्मीर को दे दिए गए हैं लोकसभा के सीट 5 और लद्दाख को दे दिए गए हैं 1, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, बेसिक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी आइसलैंड्स आर इन लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में कितने आइसलैंड हैं आपको बताना है। 5 सेकेंड टाइम है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 36 आइसलैंड है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज स्मॉलेस्ट एरिया, आपको बताना है इन सभी चारों ऑप्शन में से सबसे छोटी एरिया वाला स्टेट कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं, और डीएसएसबी में हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता है, और 2 महीने से काफ़ी सारे पेपर हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, बहुत सारे भाई मुझसे कह रहे थे कि प्रीवियस मंथ के क्वेश्चन पेपर लेके आओ मेरे पास, तो मैं आपके सामने डीएसएसबी ग्रेड 4 का और एलडीसी का पीडीएफ लेकर आया हुआ हूँ। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिया है, इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेड 4 के 18 शिफ्ट हैं और एलडीसी के भी 12 शिफ्ट अलग अलग बना के दिए हुए हैं। जो पेपर अगस्त सितंबर में हुआ था एलडीसी का और ग्रेड 4 का, उन दोनों का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने जून जुलाई में जो पेपर हुए थे सीजीएल सीएचएसएल का और सीपीओ का, उसका भी मैंने अलग अलग से पीडीएफ बनाकर नीचे डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रैक्टिस कहीं और से भी कीजिए क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। आप अगर आप 2-3 पेपर दे चुके हैं डीएसएसबी का तो आपको पता होगा कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट बहुत सारे होते हैं, खासकर मैथ्स तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट मारता है वो, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने का उसका पुराना आदत है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो बेनिफिट होगा, और साथ में साथ आपको क्या पता क्वेश्चन भी ऐसे मिल जाए जो आपने कर रखा है पहले से, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें लक्षद्वीप की 36 हैं आइसलैंड, ठीक है,
और सबसे छोटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, मैंने बताया आपको कि सबसे छोटा जो एरिया वाइज कौन सा है इसमें, मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु जो है सबसे छोटा एरिया वाइज है, ठीक है, इन चारों में से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया कौन सी है, सबसे हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया कौन सी है आपको बताना है। अन्नामुदाई है, ठीक है, अन्नामुदाई जो है वो हाईएस्ट पीक है सबसे इन चारों ऑप्शन में, ठीक है। अन्नामुदाई कहाँ पर है, तो साउथ साइड में है, ठीक है, नीलगिरी हिल्स पास में है, नीलगिरी हिल्स के पास में है अन्नामुदाई, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ईस्टर्न घाट आपको लगता होगा ईस्टर्न घाट तो इधर होना चाहिए, यूपी बिहार की तरफ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईस्टर्न घाट जो होते हैं, देखिए जब दो पहाड़ों का नीचे तक मेल होता है ना, वहाँ पर जब एक पॉइंट जहाँ पर नॉर्थन और ईस्टर्न जहाँ मिलते हैं उसे हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, समझे, तो वहाँ पर अन्नामुदाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, आपको बताना है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी आइलैंड ऑफ इंडिया लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए कि हाउ मेनी आइलैंड इन इंडिया जो है, कितने बे ऑफ बंगाल में, कितने आइलैंड हैं, आपके पास 5 सेकंड टाइम है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 204, 204 जो हैं आइसलैंड हैं जो बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्रम जो ये जो है शिव समुद्रम फॉल जो है वो कहाँ पर है, किस नदी पर है, ये बताना है, शिव समुद्रम जो फॉल है वो कहाँ पर है, किस नदी पर है, आपके सामने 5 सेकंड टाइम है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ये कावेरी नदी पर है, ठीक है। अब कावेरी नदी कहाँ बहती है, तो साउथ में बहती है, आपको पता होगा ये बात, बेसिक और इतना तो पता होना चाहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट कंपटीशन का, तो पता होना चाहिए कौन सी नदी कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है, और ईस्ट फ्लो कौन सी है और वेस्ट फ्लो कौन सी है। ये चारों नदी जो है वो चारों के चारों ईस्ट फ्लो करती है, मतलब बे ऑफ बंगाल में जा गिरती है, ये भी पता होना चाहिए। ऑड वन आया हुआ था क्योंकि 24 जो कल पेपर हुआ था 24 तारीख को DSSB में, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था, इसमें से कौन सी नदी है जो वेस्ट फ्लो करती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये बात। चलिए, न्यूली फॉर्म्ड स्टेट तेलंगाना इज सराउंडेड बाई, जो नई स्टेट बनी है तेलंगाना उसके कितने स्टेट से वो टच करती है, जो नई स्टेट बनी है तेलंगाना वो कितने स्टेट से टच करती है आपको पता है, आपके सामने 5 सेकंड टाइम है, इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 स्टेट, ठीक है, जो न्यूली स्टेट है तेलंगाना वो 5 स्टेट से टच करती है। आइए देख लेते हैं, तेलंगाना ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा तेलंगाना, तेलंगाना ये रहा, अब देखिए कितने कितने स्टेट टच कर रही है, एक महाराष्ट्र टच कर रही है, ठीक है, एक कर्नाटका से कर रही है, एक आंध्र प्रदेश से, ठीक है, उड़ीसा से नहीं कर रही है, उड़ीसा से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है, और किससे हो रहा है, 1, 2, 3, 4, और मुझे लग रहा है उड़ीसा से भी हो रहा है, ठीक है, उड़ीसा से भी हो रहा है, इसलिए 5 दिखा रहा है वो, और ये जो ऑप्शन दिखा रहा था जो हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन अभी, इसमें कितना दिखा रहा था, इसमें 5 दिखा रहा था, इसका मतलब जो है छत्तीसगढ़ से भी टच करती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट द वर्टिकल रे ऑफ सन ऑल थ्रू द ईयर, ऐसी कौन सी भारत में जो ये चारों ऑप्शन में जो शहर है उसके पास कभी भी सीधी सूरज की प्रकाश नहीं आती है, ऐसा कौन सा शहर है उसके पास कभी भी सीधी सूरज की प्रकाश नहीं आती है, आपके सामने 5 सेकंड टाइम है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, ऑप्शन से ही समझ में आ गया होगा आपको, श्रीनगर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रीनगर नॉर्थ साइड में है और काफ़ी ऊपर में है, इस कारण सीधी प्रकाश नहीं आती है, ठीक है, ईस्ट साइड से निकलती है सूरज, तो वहाँ पहुँचने में टाइम लग जाता होगा और इसलिए वहाँ पर नहीं निकल पाती है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 70 नंबर क्वेश्चन जो है DSSB का लेवल का नहीं है, ये CDS में आया हुआ था क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको नहीं बोलूँगा करने के लिए, अगर तब भी आप करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर मेघालय होगा, इसका आंसर ए होगा मेघालय, लेकिन आपके लेवल का नहीं है ये, CDS का लेवल का है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप नहीं करें इसे,
आइए नेक्स्ट देखते हैं। माउंट अबी जो हिल्स है, माउंट अबी हिल्स सिचुएटेड इन विच रेंज, माउंट अबी जो हिल्स है कौन से रेंज के अंदर में आती है, आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अरावरी हिल्स के अंदर में आती है माउंट अबी हिल्स। ठीक है, जो माउंट अबू जो हिल्स है वो किसकी आती है, अरावली हिल्स के अंदर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया अकाउंट्स विच परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया, आपको बताना है कि भारत जो है कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करता है एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में। इसका आंसर हो जाएगा बी 2.4। ठीक है, 2.4% एरिया वाइज कंट्रीब्यूट करता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर दिस बॉर्डर विथ म्यांमार, इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कितने स्टेट हैं जो म्यांमार से टच करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी 4। 4 स्टेट हैं जो म्यांमार से टच करते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए ये रहा म्यांमार, ये रहा, और कितने टच करते हैं, टच करते हैं मिजोरम, ये रहा वाइट में जो म्यांमार है, ठीक है, उसके बगल में मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो चार हैं जो ऐसे जगह जो कि टच करते हैं किससे, म्यांमार से। ठीक है, तो ये तो